सो हे गाइस, मुझे लगता है आइस स्क्रीम चैप्टर 8 में हम लोग रॉड को अरेस्ट कराने वाले हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्म लग रही है, क्योंकि अभी ना देखो ये हार्ड ड्राइव जो है इसका एक और सीन हो सकता है कि इसको हम लोग पुलिस स्टेशन में लेके जाएं। जी हाँ, आपको पता होगा कि ये भी एक थ्योरी है कि आइस स्क्रीम चैप्टर 8 में हम लोग रॉड को अरेस्ट करवा देंगे। तो ऑब्वियसली पुलिस यूं ही तो रॉड को अरेस्ट करेगी नहीं। जिस तरीके से मिस्टर मीट को अरेस्ट करने से पहले पुलिस ने काफ़ी सारे एविडेंस उसके खिलाफ कलेक्ट किए थे, तब जाके मिस्टर मीट को पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसी तरीके से हमें रॉड के अगेंस्ट भी बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा करने पड़ेंगे। उसी में से एक शायद ये हार्ड ड्राइव है जो कि हम पुलिस को दे देंगे, एंड पुलिस इसको पता करेगी कि इसमें क्या चीज़ है। तो आई थिंक इसमें रॉड के अगेंस्ट सारे सबूत होंगे, रॉड के क्राइम के सारे सबूत होंगे जो कि हम पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, एंड देन पुलिस रॉड को अरेस्ट करके ले जाएगी। ये भी मेरी एक थ्योरी है। बाकी ये थ्योरी आपको कितनी रियल लगती है कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आपकी क्या थ्योरी है भाई, आइस स्क्रीम चैप्टर 8 की एंडिंग किस टाइप की होगी अब तो कमेंट में बता ही दो, क्योंकि फाइनली एंड होने ही वाला है।